वीडियो अपलोड करने के बाद जो गलती आप लोग करते हो ना, वो हर क्रिएटर बोलोगे ना, एकदम 80% क्रिएटर ये गलती करता है, जिसके कारण से आपके वीडियो का व्यूज एकदम से नहीं बढ़ता। इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वीडियो अपलोड करने के 10 या फिर 12 घंटे बाद कौन सी ऐसी चीज करोगे जिससे आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगी। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस वीडियो पे, एकदम जेन्युइन तरीका है गाइस, एकदम यूट्यूब खुद बता रहा है कि जो YouTube बता रहा है, YouTube का जो अल्गोरिथम है कि 10 से 12 घंटे के बाद YouTube कहता है कि एक ऐसा चीज करो जिससे आपके वीडियो का जो व्यूज है ना वो डाउन नहीं, आपकी ओर भागने लगेगा एंड आपका जो वीडियो का व्यूज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्टिंग हो जाएगा। जबरदस्त ट्रिक है गाइस, YouTube खुद बताता है, ठीक है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरी इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं, ठीक है। तो गाइस एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, अपने YouTube वीडियो को अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद एकदम नॉर्मल से क्या करते हैं, एकदम छोड़ देते हैं उस वीडियो को, ठीक है। अपलोड तो कर दिया, देखते हैं कि वीडियो का व्यूज जाता नहीं जाता, फिर नेक्स्ट दिन वो अलग टॉपिक चॉइस करके फिर नया वीडियो क्रिएट करके फिर से अपलोड कर देते हैं, फिर से वो ऐसे ही गलती करते हैं। मतलब क्या कि आप अगर 500 वीडियो अपलोड कर दोगे, एकदम वीडियो अपलोड करते ही जाओगे, तो ऐसे में आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। ऐसे भी मैंने गलती की अपने यूट्यूब चैनल पर, अभी देख लो, ठीक है। तो गाइज आपको मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि यूट्यूब खुद कहता है कि यूट्यूब जब आप वीडियो अपलोड करो तो 10 से 12 घंटे बाद, ठीक है, 10 से 12 घंटे बाद एक्चुअली में होता है क्या, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि YouTube का जो अल्गोरिथम है कि YouTube में आप वीडियो अपलोड कर दिए, वीडियो अपलोड करने के बाद आप क्या करो, 10 से 12 घंटे बाद आप अपने वीडियो का टाइटल और जो वीडियो का जो थंबनेल है उसको चेंज कर दो 10 से 12 घंटे बाद। अब भाई साहब आप बोलोगे कि ऐसे में होगा क्या, YouTube खुद बोला है YT स्टूडियो पर, जैसे क्लिक करोगे YT स्टूडियो को खोलोगे, खोलने के बाद वहाँ पर जो वीडियो का व्यूज़ डाउन चल गया है उस वीडियो पर, वहाँ पर एक देखो, एक नोटिफिकेशन का एक बार नज़र आएगा, वहाँ पर क्लिक करके एक नोटिफिकेशन आया होगा YouTube की तरफ से YT स्टूडियो पर कि जब आपके वीडियो का जो व्यूज़ है वो डाउन की ओर चले जाएगा, मतलब क्लिक थ्रू रेट CTR कम हो जाएगा, तब आपको क्या करनी, आप अपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल जो है उसको चेंज कर दो। इससे होगा क्या कि आपकी जो वीडियो का जो CTR है वो थोड़ा हाई होगा, तो आपकी जो वीडियो का व्यूज है वो बढ़ने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो जाएगा। तो सबसे पहला जो तरीका है वो सबसे पहला तरीका आप ये करो। एंड जो दूसरी बात, आप वीडियो अपलोड करने से पहले आप थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वीडियो तो आपने अपलोड कर दिया, तो आप अपने वीडियो को क्या करो, अपना एक दूसरा अदर मोबाइल लो, ठीक है। एकदम वीडियो एकदम ध्यान से सुनना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो ये तो मैंने अभी बताया, ये तो आपको लास्टिंग में करना है, जो मैंने अभी पहले बताया उसको आप बाद में करनी, पहले ये करना है कि आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड कर दिया आपने एंड आपको दूसरा मोबाइल लेने, उस मोबाइल पर कम से कम 10 Gmail ID क्रिएट कर दो, 10 Gmail ID, 1 Gmail ID से आप अपने क्या करो, अपने वीडियो को 10 बार वॉच करो, एंड अगर 10 Gmail ID से अगर 10 बार वॉच करोगे तो आपकी वीडियो का व्यू कितना हुआ भाई साहब, 100 व्यू हुआ। तो इससे आपकी वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन है वो बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि आपकी वीडियो यूट्यूब का भी लगेगा कि इस वीडियो को बार बार क्यों देखा जा रहा है, ये तो नया क्रिएटर है यार, और अभी यार तुरंत रिसेंट में वीडियो अपलोड किया और ये इसकी वीडियो पर बार बार क्लिक हो रहा है, बार बार देखा जा रहा है, एंड फुल वॉच करनी है भाई साहब, ठीक है, फुल वॉच करो, एक एक जीमेल आईडी से 10 बार, मतलब 100 व्यू हो, तो यूट्यूब के लगेगा कि यार इसके वीडियो पर बार बार क्लिक हो रहा है एंड बार बार वॉच टाइम मिल रहा है, तो मतलब इसके वीडियो पर कुछ तो बात है, तो आपकी वीडियो को और भी ज़्यादा स्लाइट बूस्ट करेगा, मतलब ब्राउजर फ्यूचर में भेजेगा। तो गाइज यही है तरीका, अगर आपके वीडियो का जो व्यूज़ है नहीं पड़ रहा है, आपका वीडियो डाउन में चल जा रहा है, तो आपको क्या करनी है, जो मैंने अभी सेकंड में बताया उसको फर्स्ट में करनी है, एंड जो मैंने फर्स्ट में बताया वो आपको सेकंड में करनी है। यूट्यूब ऐसे खुद बोलता है, एज ए यूट्यूब के तौर पर क्या बताता है कि आपकी वीडियो डाउन में चली जाती है, तो आपको क्या करनी है, आपको अपनी वीडियो का टाइटल एंड जो थंबनेल है उसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो गाइस यही है तरीका, अगर आप एक क्रिएटर हो तो 10 से 12 घंटे में ये ट्रिक यूज करो, 110% इसकी सियोरिटी दे रहा हूं, तो आपके वीडियो का व्यूज बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। सो गाइस अगर ये छोटी जानकारी आप लोग को अच्छी लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस इस चैनल पर आपको जेन्युइन रियल कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। सो गाइस मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।